हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बड़े होंगे। तो आ चुका हूँ भाई सुबह सुबह आप लोगों के लिए परेड का रावण दिखाने। तो भाई अभी जो है सुबह का टाइम हो चुका है, बट मैंने इस वीडियो के अंदर आपको परेड का रावण एक्सक्लूसिव खड़ा कैसे होता है ड्रोन के साथ दिखाया है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो कर रहा हूँ स्टार्ट। मैं हूँ रक्ष, आप देख रहे हैं रक्ष दिखाने ब्लॉग्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी एकदम सुबह सुबह आ चुके हैं, 5 भी नहीं बजा है आप लोगों के लिए, आप लोगों दिखाने। यहाँ पे देखो परेड में जो है डीजे सिस्टम, पूरा साउंड सिस्टम यहाँ पे सेट हो रहा है। एंड फिलहाल अभी चलते हैं परेड के अंदर, ग्राउंड के अंदर, वहां पे दिखाते हैं आपको। सो भाई ये देखो, अभी तुरंत के तुरंत जो है रावण बीच में आ चुका है और खड़ा हो रहा है। बल लग रहा है इसमें, देख सकते हो आप लोग बिल्कुल सामने ही है रावण, तुरंत खड़ा हो रहा है। एंड शायद मैं आपको ड्रोन शॉट भी ना दे पाऊंगा। तो गाइस अब मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिव लुक दूंगा। एक्सक्लूसिव क्यों भाई, सुबह सुबह आ चुका हूँ एंड मैं यहाँ पे देख लो बहुत जल्दी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए रोका गया था कि मैं आ रहा हूँ, नहीं तो अब तक पुतला तन चुका होता। भाई ये देखो भाई पुतला, अब रावण 2024 परेड का खड़ा हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के सामने है। एंड भाई क्या लुक आ रहा है, और एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा हूँ इतनी सुबह सुबह आके सिर्फ आप लोगों के लिए। भाई जल्दी से लाइक ठोक दो एक, ये देखो भाई ये है भाई साहब, बहुत तगड़ा लग रहा है यार, बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये देखो। और भाई तन्ना चालू हो गया है, रस्सियों ने बल लगाना चालू कर दिया है। ये देखो पूरा देख लो भाई, ये देखो जूम करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ये देखो भाई ये लुक आपको किसी चैनल पे और नहीं मिलने वाला। ये देख लो 2024 परेड का रावण अपने पूरे जोश और हवाज में खड़ा हो रहा है, और इसके आज खड़े होते ही इसका दहन हो जाएगा कुछ ही क्षणों में। तो ये देख सकते हो भाई साहब, ये देखो ये लो भाई साहब एक्सट्रीम लुक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ये देखो, और भाई काफी तगड़ा लग रहा है, और यहाँ पे रस्सियों में जो है तनाव आ चुका है। देखो किस तरह भैया लोग सारे खींच रहे हैं इसको ताकि ये इधर उधर ना हो जाए। और भाई देख रहे हो भाई साहब, ये देखो भाई पूरा रावण जो है खड़ा हो चुका है आप लोगों के सामने। 2024 का परेड रावण खड़ा होते हुए एक्सक्लूसिव आप लोगों को मैंने दिखाया है सबसे पहले, देख सकते हो आप लोग ये देख लो। एंड हाथ में जो है अभी तक ढाल नहीं पकड़ाई गई, ढाले वगैरह पकड़ाना भूल गए हैं शायद ये देखो, तो शायद अभी हो सकता है क्रेन वगैरह से जाया जाए एंड पकड़ाया जाए। तो अभी ये देख सकते हो, एंड अभी जो है बत्तियां जलेंगी और मैं आपको बत्तियों एक्सक्लूसिव लुक देता हूँ। ये लो भाई ये लुक आपको और कहीं नहीं मिलने वाला सिवाय मेरे चैनल के। तो भाई जल्दी से आपको दिखा देता हूँ मैं, ये क्या लुक आ रहा है भाई, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ भाई साहब, ये है भाई परेड का रावण, देख लो पूरा खड़ा हो गया भाई सामने आप लोगों के। और अब मैं इसका 360 लुक दे देता हूँ फटाक से आपको, ये देखो भाई अति सुंदर पुतला बनाया गया है यहाँ पे, और काफी सही तरीके से मतलब पूरा यहाँ पे वर्क किया गया है। देखो पूरा चेहरा बाली सब है। एंड मैं आपको इसका 360 लुक दे देता हूँ एक बार, ये देखो भाई ये लुक के लिए भाई एक लाइक तो बनता है भाई साहब। ये 360 लुक आपको किसी और चैनल पे ड्रोन का नहीं मिलेगा सिवाय और सिवाय रक्ष दी कानपुर ब्लॉग्स के अलावा, ये देख सकते हो भाई साहब
बहुत तगड़ा लुका रहा है भाई, क्या ही बोलूं मैं। तो अभी आपको सबसे पहला लुक मैंने आपको दे दिया यहाँ का रावण का, और यहाँ पे देख सकते हो कि रावण जो है सिर्फ और सिर्फ किसी का इंतजार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके भाई का इंतजार करता है। यहाँ पे ड्रोन शूटिंग के लिए सिर्फ इसको डिले करवाया गया, कम से कम भी 15 से 20 मिनट का डिले इसको दिया गया कि मैं आ जाऊँ, फिर ये तुरंत खींचे और ये तन जाए। भाई मैं जैसे ही आया तुरंत मैंने आप लोगों के सामने ड्रोन निकाले और कैमरे निकाले और तुरंत से दिखाया, क्योंकि भाई अंकल ने रुकवा रखा था सिर्फ मेरे पीछे। भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा अंकल हमको प्यार करते हैं। सो ये है भाई परेड की आतिशबाजी आज की 2024 की। भाई आज की आतिशबाजी तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और वहाँ तैयारियाँ हो भी रही हैं। ये भी देखो भाई पूरे स्पिनिंग वाले फायरों हैं, ये आपको लोग कोई नहीं देगा, एंड ये लेज़र है जो इस पर जाएगी। तो भाई देख सकते हो बहुत भारी भारी पाइप है यहाँ पे, दिखा दिए मैंने आप लोगों को। सबसे पहले ये देखो भाई पूरा इलेक्ट्रिकली ये आज होंगे, ये देखो भाई पूरा इलेक्ट्रिकली है। तो गाइस यहाँ पे फरमान भैया आ चुके हैं, एंड भाई ये वह पुतला देख लो जस्ट इनके पीछे, एंड कितना बड़ा पुतला इन्होंने बनाया। तो भैया आज है दशहरा, तो आज के दिन पे ये किस टाइम पे दहन हो जाएगा? आज रात 9 बजे, 12 वगैरह बजते थे अगली बार हर बार, तो इस बार 9 बजे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, रावण का पुतला यहाँ पर 9 बजे जलाया जाता है। 9 बजे जला दिया जाएगा मतलब आज। तो भाई देख सकते हो 9 बजे पूरा हो जाएगा, और इस बार आतिशबाजी आज की तो बहुत बड़ी है, एंड ड्रोन शो भी रहने वाला है। तो ड्रोन शो की क्या टाइमिंग रहने वाली है भैया? ड्रोन शो की टाइमिंग यही है, 8:30 के समथिंग में है। 8:30 तक भाई जो है ड्रोन शो हो जाएगा, एंड आप लोग देख सकते हो और पीछे भैया ने कितना तगड़ा रावण बनाया है। भैया ये जो पुतला है इसको बनाने में आपकी मेहनत है, और मेन जो अहम भूमिका है वो किन की है? इस पुतले को बनाने में अहम भूमिका मेरे पापा सलीम खां की है, जिन्होंने बचपन से अपने पापा अपने दादा यानी मेरे परदादा से काम सीखा। ये हमारा पुतलों का काम है, ये काम नहीं है हमारी, ये कला है जो कि आपके सामने प्रस्तुत की गई है, ये मेरे पापा की कला है। हाँ भी आप देख सकते हो मेन जो हेड हैं सलीम चाचा एंड अंकल जी वो आ चुके हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो अंकल ये जो आपने पुतला बनाया है, तो मतलब इसको बनाने में आपको टोटल कितना टाइम लग गया आज तक? 1.5 महीने में भाई देख लो इतना बड़ा, 90 फुट का इस बार का रावण है ना, तो 90 फुट का है। एंड देख ओ भाई ये क्या था ये तो अंकल अचानक से ही हुआ। तो ये भाई आज के गार्टर है जो टेस्ट हुए हैं इसके, तो भाई देख सकते हो। और अंकल जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो है पुतला 15 मिनट के लिए होल्ड कराया सिर्फ मेरे लिए कि मैं आ जाऊं तो वीडियो कर पाऊं। तो धन्यवाद।